तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले हम सिंपल सीखेंगे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड एंड देन पैरामीटराइज बारकोड। तो हम एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है, या बनी हुई कंपनी को ओपन कर लेते हैं। अभी मैंने एक कंपनी बनाई थी थोड़ी देर पहले, तो उसी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर आता हूँ, जैसे मुझे अब पाथ देना होता है, मैं एस दबाता रहूँगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ई ड्राइव में कमल, देन ओके, ओपन पी, देन पी। सबसे पहले ये पैरामीटराइज बारकोड है। पैरामीटराइज बारकोड होता क्या है, जैसे नॉर्मल हम लोग निकालते हैं, निकाला और चिपका दी, तो उस कंडीशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पैरामीटराइज बारकोड। ठीक है, लेकिन अगर कन्फिगेशन जैसे डायनेमिक करवा रखा है कि जैसे मैं इस क्वांटिटी को भेजूँ तो इसमें ये कलर आना चाहिए, तो वो पैरामीटराइज। तो पहले सीखते हैं हम नॉर्मल। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मास्टर कन्फिग्रेशन के अंदर, मास्टर कन्फिग्रेशन। सबसे पहले उस आइटम का नाम, ठीक है, कि आपको उस बारकोड में कितनी आइटम चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा चार, तो इसमें जरूरत कितनी हमें, चार की जरूरत, तो हमने चार बोल दी। पहला क्या है हमारा, ब्रांड नेम, यहाँ पे क्या डाल देंगे हम लोग, ब्रांड नेम। ठीक है, टैक्स। अब आता है ब्रांड, ब्रांड में आपका क्या होना चाहिए, कि फिक्स रखना है या फिर आपको हर बार डालना है। तो अगर आपको फिक्स है, जैसे आपको ढूंढना है, जैसे आपके पास नाइक का है, रिबॉक है, पाँच छः ब्रांड है, तो उसमें आप यस कीजिए, जिसमें आपके पास अनलिमिटेड है उसमें आप इसको नो करना। उसके बाद आपका क्या है, साइज, तो साइज भी आपके क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इसको भी यस कर सकते हैं। साइज के बाद हमारे पास क्या होता है, कलर पूरी, ठीक है, टैक्स, इसको इसको भी यस कर सकते हैं। कलर के बाद हमारे पास क्या, एमआरपी, एमआरपी हमारे पास हर बार अलग आएगी, तो एमआरपी को हम नो कर दें। और उसको ध्यान से बड़े, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड, फोर। हमने कितनी फील्ड ली है, चार फील्ड ली। इसको हम सेव करेंगे, सेव हो गया हमारा, एस्केप करके बाहर आएंगे। अब ये देखिए आपको मास्टर के अंदर जैसे ही आप आइटम क्रिएट करेंगे, आइटम बनाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F2 या ओल्ड प्लस F2। ठीक है, अब मैंने एक आइटम का नाम बना दिया, जिसका आइटम का नाम डाल दिया मैंने डिकोय नैरो, ठीक है, जींस। ठीक है, डन। अब आया जैसे इंटर हमारा ग्रुप आया कि ब्रांड क्या आया, मैंने बोल दिया F3 से, जहाँ मैंने वहाँ यस कहा था वहाँ मुझे F3 से लिखना पड़ेगा डिकोय। ठीक है, देखो यहाँ मैंने साइज भी कहा था, साइज पे इंटर मारूंगा नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, F3, मैंने बोल दिया 32। ठीक है, उसके बाद कलर मैंने बना दिया यहाँ पर ब्लैक। ठीक है, कलर के बाद MRP, MRP हमारी कितनी है, 1199, देन .00। ठीक है, ये हो गया। देन सेल प्राइस मैंने बोला 1200 रुपये, परचेज 1100 रुपये और MRP 1800 रुपये। ठीक है, और इसको सेव कर दें। ये होने के बाद आपको क्या करना है, एड ऑन के अंदर आके एक फॉर्मेट को क्रिएट करना है। यहाँ पाएंगे तो याद रखना, एक बीजी के लिए बारकोड आता है, एक और एक बारकोड के लिए वो आता है बीजी का डोंगल। तो दो तरह के डोंगल होते हैं, एक बीजी को चलाने के लिए, डेट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, दूसरा बारकोड के लिए। तो जैसे आप इस पर एंटर मारोगे तो चार चीज़ें आएंगी, ऊपर लिखा हुआ प्रिंट आइटम बारकोड कन्फिगर बारकोड लेबल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके छः टॉपिक होंगे। पहला हुआ ऐड, क्या नाम से फॉर्मेट क्रिएट करना, तो मैंने इस पर ऐड करा, मैंने जो भी फॉर्मेट वो डाल दिया, मैंने बोल दिया बार कोड, तो बार कोड नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है कन्फिगर, अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो इस पर क्लिक करूँगा मॉडिफाई हो जाएगा, डिलीट करना है तो मुझे इस पर क्लिक करूँगा डिलीट हो जाएगा, और उसके अंदर कन्फिग्रेशन करनी है तो किसकी मदद लूँगा, इसकी। अब सबसे ऊपर लिख के आता है बार कोड शीट कन्फिग्रेशन फॉर द फॉर्मेट बार कोड, जो मेरा नाम था वो आ जाएगा। देन यहाँ लिखा होगा पिक बारकोड फ्रॉम वैल्यू, कहाँ से पिक करना है बारकोड, ठीक है, फ्रॉम बीजी, फ्रॉम एक्सेल, मैंने बोला फ्रॉम बीजी। ठीक है, देन अब आता है बारकोड टाइप, अगर आपने मास्टर कॉन्फ़िगरेशन जो वहाँ से अनेबल करके बनाया उसके लिए हमेशा आइटम ओनली रहते हैं, ठीक है, और अगर आपके पास पैरामीटराइज बारकोड होगा तो उसके लिए बारकोड लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देन आइटम ओनली। अब आता है सिलेक्ट शीट टाइप, कस्टम या फिर प्रीडिफाइंड। प्रीडिफाइंड में क्या होता है, A4 शीट होती है ना वो आती है, तो प्रीडिफाइंड हम लोग यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हम इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, कस्टम। अब आता है सिलेक्ट स्किल मोडिंग ऑफ प्रिंटिंग, क्या है आपके पास, इंचज है, मिलीमीटर है, तो उसको यूज़ कर लेंगे, हमने बोल दिया मिलीमीटर में आता है। सिलेक्ट प्रिंटर कन्फिगर, कौन से प्रिंटर से निकलना चाहिए, तो इसके लिए स्पेशल एक प्रिंटर आता है जिसका नाम होता है TSC का प्रिंटर, ठीक है, हाँ। अब आता है डोज या विंडो, डोज तो बंद हो चुके हैं, विंडो ही चलती है। अब आता है सिलेक्ट पेपर टाइप,
कट शीट या कंटिन्यूअल। कट शीट होता है कि मैंने ए फोर शीट पे निकाली, उसको काट काट के लगाऊँ, वो मेरी कट शीट होती है। कंटिन्यूअल जो मेरे पास रोल आते हैं ना, जिसको रनिंग करते हैं अपने आप निकलते, तो वो आपके किस में आते हैं, कंटिन्यूअल रोल में। अब आता है नंबर ऑफ लेवल इन वन रो। एक लेवल जैसे कि टू पीस लेवल है, तो यहाँ पर कितना डालेंगे, टू। अगर ये पूरा एक होता तो क्या होता आपका, वन पीस लेवल। ये कितना हो गया आपका, टू पीस। ठीक है, देन पेपर मैंने बोला 50 देन 75, तो कितना हो गया, हाइट इसकी 50 है और वेथ इसकी कितनी है, 75। जैसे ही मारोगे तो आपके इस तरह का बार कोड आएगा। नहीं, मैंने बोला मेरी हाइट 75 है और वेथ मेरी 50 है, तो मेरा ऐसे हो जाएगा। जो आपका बाल ये लेवल होगा उस हिसाब से, वो जो बताते हैं ना कि कितने का, 38x50 का या 50x38 का है, 75x50 का, हाँ ये फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, देन अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले आप इस पर क्लिक करते हो और डिलीट कर दोगे, सारा डिलीट हो जाएगा, ब्लैंक हो गया। अब आपको फील्ड आनी है, डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास फील्ड आ जाएगी, एंड इसको थोड़ा सा आगे ट्रैक कर दीजिए। हो गया, बाहर नहीं जाना चाहिए, बस हो गया। अब इसके ऊपर क्या डालना है, हमें आइटम नेम डालना है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास टाइप आता है, प्लेन टेक्स्ट, जो चेंजेबल नहीं हो। जैसे आपने कमेंट लिखा हो, जय माता दी, ठीक है, 786, ऐसे कमेंट लिखने हो तो उसके लिए प्लान टेक्स्ट, ये चेंजेबल नहीं होते, जैसा लिखा हो वैसे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर आपको चेंजेबल चाहिए तो उसके लिए आपको इसका यूज करेंगे डाटा फील्ड का। मैंने कहा जो भी मैं आइटम का बारकोड निकालूं उसका आइटम नेम यहाँ पर छप जाए, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, आइटम नेम। ठीक है, देन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सेंटर, यहाँ पर थोमा, देन बोल्ट, देन साइज हम डालते हैं 8। साइज अपना कितना हो गया, 8, देन फॉन्ट। ठीक है, ये फिक्स है। इसके बाद आता है, इसको लेफ्ट रखना है, इसको राइट में लाना है और इसको सेंटर में। ठीक है, अब इसको आता है ड्रॉ बॉक्स। आप इसको यस करोगे तो आपका एक ड्रॉ बॉक्स आ जाएगा। आपको कलर करना है तो आप यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन हमें नहीं चाहिए तो उसको नो कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नो हो गया, हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ब्रांड। तो हम यहाँ पर एक और फील्ड ऐड करेंगे, जिस पर लिखा है डबल क्लिक टू ऐड कंट्रोल। अगर इस पर क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तब होगा। ठीक है, देन अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस डाटा में गए, देन यहाँ से हमने ले लिया। अब हम क्या लेंगे, ओपीटी फील्ड। ओपीटी क्यों ले रहे हैं, इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है, हमेशा लेंगे ऐड आइटम ओपीटी फील्ड 1। अब 1 क्यों आई, क्योंकि जो हमने बारकोड बनाया है इसका एक नाम है। क्या नाम है, जो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में इसको क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड, पहली 2 3 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ जाएंगे ओपीटी फील्ड 1, मतलब पहली वाली फील्ड जिस पर हमने ब्रांड लिखा है। अब आता है कैप्शन। अगर मैं ऐसे कर दूंगा जो मेरा ब्रांड नेम होगा यहाँ पर अपने आप निकल के आ जाएगा, लेकिन पता तो क्या हेडिंग है, हेडिंग नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा। तो हमने बोल दिया क्या होगा, कैप्शन ब्रांड एंड देन डॉट, आ गया ब्रांड नेम। देन यहाँ पर फॉन्ट हमेशा वही लेना जो आपको बताया, अच्छा फॉन्ट है, देन बोल्ड, और उसका साइज आप कर दीजिए 7। लेकिन देखिए आपका सेंटर में इसको बोल दीजिए लेफ्ट, तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। साइज है 6 कर दीजिए क्योंकि नीचे आ रहा है, आ गया। एंड देन थोड़ा सा पतला कर दीजिए, अक्षर नीचे जा रहा है, हो गया, अब अच्छा दे रहा है। अब इस पर डबल क्लिक कीजिए, टिन नंबर को नो कर दीजिए, वैट एंड जीएसटी टॉपिक को उसके यस करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, ब्रांड के बाद हमारे पास क्या आता है, साइज, तो हम लिख देंगे डाटा यहाँ पर साइज। अब सेकंड लेंगे, पहले लेंगे आइटम ओपीटी फील्ड सेकंड, क्या है हमारा साइज। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस एंड देन एंटर। ठीक है, सेंटर की जगह आपका लेफ्ट, ठीक है, थोमा, देन बोल्ट और 6। ठीक है, लेकिन आप देखिए डॉट आपकी कहाँ जा रही है, एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, तो इस पर जाइए। ठीक है, देन इस पर अब इसको क्या ड्रैग करके हम नहीं उठा सकते, हाँ नहीं उठा सकते, इस पर डबल करेंगे, देन
ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डाटा ओपीटी फील्ड 3। 3 पे हमारा क्या है, एक इसमें होती है मस्त डिस्क्रिप्शन, वो बताऊंगा क्या होती है, बहुत ठीक चीज है। क्या है हमारा, ठीक है, सेंटर की जगह क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट, एंड देन डॉट का फर्क है, डॉट को थोड़ा सा अभी हम अगर साइज बढ़ा दें तो डॉट हमारी चेंज हो जाएगी, तो हमारा देन बोल्ड और 6 डॉट, ठीक आ रही है। देन डबल क्लिक, देन नीचे ठीक है, थोड़ा सा भी फर्क है। देन डाटा, सॉरी गलती हो गई, 4। क्या नाम था, MRP, ठीक है, आगे MRP। देन हमने डॉट नहीं लगाई, क्या लगेगी यहाँ पर, डॉट सेंटर की जगह लेफ्ट कॉमा बोल्ट देन कॉमा 6 5, ठीक है, नहीं डॉट तो 6 ही रहेगी क्योंकि सबकी 6 है, बट हमारी डॉट ज़्यादा होगी ना, हम डॉट को कम कर सकते हैं। ठीक है, होगी। अब यहाँ पर मुझे ना एक स्टाइलिश, थोड़ा सा स्टाइलिश करना, अपनी कंपनी का नेम डालना है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, बट मेरी कंपनी का नाम पूरा आएगा पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा पतला करके अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया, हो गया ड्रैग, और इसको यहाँ से इतना पतला कर दिया, ठीक है। अब मुझे कंपनी नेम चाहिए, तो मैंने इसे क्लिक करा, कहाँ गया, डाटा फील्ड में, और कंपनी नेम डाल दिया, तो मेरी कंपनी का नेम अपने आप आ जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, और मैंने इसको कर दिया हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल, मतलब एक एक करेक्टर आ जाएगा, लेकिन मेरी कंपनी नाम तो बहुत बड़ा है ना, छपके तो आएगा नहीं, मैं जो तो मैंने खाली नेम आ जाए पॉलीलेस, ठीक है, पूरा नाम ना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ये देखोगे आपकी इतना लंबा नाम हो जाएगा तो दिक्कत देगा, तो उसके लिए आप इसको प्लेन टेक्स्ट में लिख दो, क्योंकि चेंजेबल तो है ही नहीं है, क्या लिख दो, कंपनी का बिल में एक जैसे ही आएगा, तो पॉली लेस, ठीक है, आ गया, कितना आ रहा, इतने बार है, यहाँ पर आप इंडिया लिख दीजिए, आ गया इंडिया, कोई दिक्कत इसमें। और इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करना है, तो यहाँ से आप थोमा देन बोल्ट इटैलिक कर दो, एंड देन साइज का 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब नीचे मैं कमेंट लिखना चाहता हूँ कि एक बार हमें सेवा का मौका दें, तो कमेंट भी लिख सकते हो, डबल क्लिक करें प्लेन टेक्स्ट में, जो चीज़ चेंज नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर कमेंट लिख देते हैं, यहाँ जाते हैं प्लेन टेक्स्ट पे, एंटर लिख देते हैं नॉट फॉर सेल, ठीक है, नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा। देन अब मुझे बारकोड बनाना है, तो यहाँ पर जाएंगे, या पूरे एरिया को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बारकोड में, देन प्लेन टेक्स्ट कीजिएगा बारकोड, हो गया हमारा, ठीक है, इसको सेव करेंगे, सेव करेंगे, क्विट करेंगे, प्रिंट बारकोड फ्रॉम आइटम मास्टर के अंदर, आइटम का नाम 1 आइटम, ओके, एंड देन जो भी हमारे आइटम का नेम होगा वो डाल दें, देखिए प्रीव्यू, ये आपका बारकोड आ गया, ठीक है। आइटम नेम डिकॉय नैरो जींस, ब्रांड डिकॉय, साइज 32, कलर ये, MRP इतनी, कंपनी नेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ही आ रहा है इसका, ये बारकोड नंबर,
अगर अब हमें बारकोड नंबर यहाँ नीचे डालना हो तो कैसे डालेंगे? उसके दो तरीके, कैसे? इसी आइटम को ओल्ड प्लस आई कीजिए, देन आइटम का नाम डाल लीजिए और मॉडिफाई कर दीजिए और नीचे यहाँ नंबर टाइप कर दीजिए, बट ये नंबर आपका उठेगा नहीं। कैसे उठाना पड़ेगा इसको? उठाने के लिए आपको दोबारा वहीं जाना पड़ेगा, कन्फिगर के अंदर, इसके अंदर आपको एक और फील्ड लेनी पड़ेगी डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करके फील्ड लोगे, इसको थोड़ा सा पतला करोगे, ठीक है, डाटा फील्ड। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एलियाज नेम, आइटम का क्या होता है एलियाज नेम, एंड देन इसको डाल दीजिए और सेव। अब निकालिए फ्रेंड यहाँ पर 1, ओके ओके, देन प्रीवियम, तो आपके नंबर आ जाएगा। नंबर कहाँ से इस आपकी सर बताएंगे ना। अब आती नंबर ऑफ कॉपी कितनी चाहिए, तो कॉपी आप यहाँ डालोगे, नंबर ऑफ कॉपी मैंने बोला 10, तो 10 आएगी, ठीक है, कितनी आएंगी 10। अभी जो होता है ना नंबर ऑफ लेवल इन टू स्किप, कितने छोड़ने हैं, जो बारकोड होते हैं रोल निकले कितने के बाद स्टार्ट हो, तो यहाँ हमेशा 0 रखेंगे, देन प्रीवियम, तो आपके देखिए 10 बारकोड आएंगे, ठीक है, तो ये होता है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि सर मैं जिसके यहाँ जॉब करने गया उसके यहाँ पहले का स्टॉक है, उसका बारकोड निकालना है मुझे, क्या पहले मैं आइटम बनाऊंगा फिर आगे यहाँ बारकोड निकालूंगा? सर ऐसा कोई तरीका बताइए कि मैं जैसे एंट्री करूँ मेरे पास बारकोड आए, मैं निकालता रहूँ? तो उसके लिए अगर उसके पास पुराना स्टॉक है और उसके पास बीजी आज नया लगा है, तो उस कंडीशन में आप किसकी मदद लेंगे? स्टॉक जनरल की। इससे मतलब प्लस पॉइंट क्या है, आपके माल भी बनता रहेगा और साथ साथ आपका बारकोड भी निकलता रहेगा। लेकिन ये करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नीचे जाना है, कहाँ पर? वाउचर अदर डिटेल में। कहाँ पर? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन आपको सबसे नीचे मिलेगा, प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग, इसको आप जैसे ही यस करेंगे, अब आप जो भी बिल सेव करोगे आपसे किसके लिए पूछेगा? बारकोड के लिए। और स्कैप कर दीजिए एक बार, फिर दोबारा अंदर आइए। मैंने बोला सर मेरे पास एक और आइटम है जिसका नाम है, ठीक है, देन यहाँ पर डाल दो, मैंने बोल दिया F3 से डी कोपर, ठीक है, साइज 32, कलर ब्लैक, MRP 1200 रुपये, पीस मैंने बोला सेल प्राइस हमारा है 1000 रुपये, खरीदने का 800 रुपये रेट है और बेचने और सेल प्राइस हमारा 1200 रुपये, ठीक है, इसको सेव कर देंगे। हो गया सेव, कितनी पीस? 10 पीस का स्टॉक है, देन सेव, ओके। मैंने किसका बारकोड निकालना है? जैसे आपने सेव का बारकोड के लिए आ गया, एंटर मारो, शो डिटेल, कितनी कॉपी क्वांटिटी है हमारे पास? 10, तो बारकोड कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ कॉपी 10, देन ओके, यहाँ से प्रीव्यू, देखिए आपके आपके डेमो कॉपी तो हमेशा लिख के आएगा दिस इज ए इमेज, ये बताता है कि आपके पास बीजी का डोंगल नहीं है, तो हमेशा 10 कॉपी निकाल सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं निकलेगी, ठीक है। ये होता है आपका सिंपल बारकोड, समझ में आ गया? अगर आपके पास तो नहीं, अगर आज सॉफ्टवेयर लगा है उसका सेटअप पीसे चल रहा है, उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर उसके पास कहता है कि जो माल आता है उसका बारकोड निकालो, तो आप सिंपल परचेज करते रहो और बारकोड निकालते हो, लेकिन परचेज में भी आपको क्या करना पड़ेगा? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फिर कहाँ पर? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, हमेशा इस टॉपिक को यस करना होगा, प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग, यस। तो आप जैसे जो आइटम की एंट्री करते जाओगे उसका बारकोड भी साथ साथ निकालिए, लगाइए लगाइए निकालिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में यूज होता है, ये बहुत यूज होता है, ये 40% यूज होता है, 60% आपका पैरामीटराइज होता है। तो समझ में आ गया इसको, किसी को इशू है इस टॉपिक को करने में, ठीक है। तो इसकी मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि हमारा ये सिंपल बारकोड कंप्लीट हो गया है।